कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म। तुलबा ने इंकशाफ किया कि इम्तिहानी मराकज में रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा है। सरकारी स्कूल टीचर की मुबैना ऑडियो सुनो न्यूज को मौसूल हो गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा सुनो न्यूज कराची राव अफनान से। अफनान कहिएगा, अब इस सरकारी स्कूल टीचर के खिलाफ कोई इकदाम किए जा रहे हैं? खुलम खुला रिश्वत का मुतालबा किया गया है। जी बिल्कुल, मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो गया है, लेकिन नकल माफिया जो है वो इंतहाई मजबूत और सरगर्म दिखाई दे रहा है। इम्तिहानात के आगाज से कबल ही एक रात कबल जो है वो रातों रात इम्तिहानी मराकज तब्दील हो गए, जिसे तलबा परेशान रहे। और जब नए इम्तिहानी मराकज के अंदर गए तलबा, तो वहाँ उनसे रिश्वत का मुतालबा किया गया। इवन जो बी कॉपीज है उसके लिए भी 1500 से 2000 रुपये तक का मुतालबा किया जा रहा है, और जो तलबा रिश्वत नहीं देना चाहते उन्हें हिरासत किया जा रहा है। दूसरी जानब इब्राहिम हैदरी में वाकई सरकारी स्कूल के टीचर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें वो तलबा से फीकस 1000 रुपये देने का मुतालबा कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि जो नहीं देगा फिर वो अपने नतायज के जिम्मेदार खुद होंगे। और वो ये भी बता रहा है कि बोर्ड में उसकी मुकम्मल सेटिंग है, और जो नया सेंटर है वहाँ पर उसकी मंशा पसंद के मुताबिक जो है वो असाज़ा तैनात किए जाएंगे, जहां नकल की और मोबाइल की खुली इजाजत होगी। तो ये दो वाकियात जो है ये महकमा तालीम से महकमा तालीमी बोर्ड और जो मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ठीक है, मुंह बोलता सबूत है, आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया।